वहीं आज से दो दिन के हरियाणा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यों के गृह मंत्रियों की बैठक में शिरकत करेंगे। फरीदाबाद में दो दिनों तक गृह मंत्रियों की ये बैठक होने वाली है। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। कानून व्यवस्था से जुड़े कई विषयों पर चर्चा होगी, तो सरकार के प्रयासों से अवगत कराएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री भी जुड़ सकते हैं। तो हरियाणा के फरीदाबाद में ये पूरी बैठक होने जा रही है, तो तमाम राज्यों के गृह मंत्री इसमें शामिल होंगे। और सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दो दिवसीय दौरा रहने वाला है हरियाणा का। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, सीएम योगी आदित्यनाथ का फरीदाबाद का दौरा दो दिवसीय रहने वाला है, और देखिए इस दौरान जिस तरह से गृह मंत्रियों की बैठक बताई जा रही है, जो कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ था, गृह की जिम्मेदारी उन्होंने खुद ली हुई है, तो इस दौरान क्या कुछ तमाम बैठकों में बातें सामने आ सकती हैं। इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जो जो अच्छी की गई है उसका कहीं ना कहीं जिक्र करते हुए सीएम नजर आएंगे। हाँ बिल्कुल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में तमाम जो राज्य हैं उत्तर प्रदेश समेत उनके गृह मंत्रियों की एक बैठक होनी है, जिसमें बतौर उत्तर प्रदेश की ओर से गृह मंत्री का चार्ज इस समय मुख्यमंत्री अपने पास रखे हुए, तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होंगे। निश्चित तौर पर ये बैठक होगी कहीं ना कहीं जो देश की सुरक्षा को लेकर होगी कि किस तरीके से आंतरिक सुरक्षा को में बेहतर परफॉर्मेंस किया जाए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ने जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर के काम किया, निश्चित तौर पर आज इस बैठक में वो नजीर साबित होगी। कहीं ना कहीं हर बात में कहीं ना कहीं जिक्र होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो पिछले 5 सालों में जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर के बेहतर काम हुआ वो कहीं ना कहीं एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं उसमें दिखाई दे रहा है। एनसीआरबी के जो आंकड़े आए उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से जो बच्चों के साथ अपराध हो रहे थे उनमें किस तरीके से गिरावट आई, लमसम 11.11% की गिरावट आई है 2019 की तुलना करें 2021 की अपेक्षा। वहीं अगर बात करें 2019 में महिला अपराध थे उनकी अगर 2021 से तुलना करें तो महिला अपराधों में 6.2% की कमी आई है। इसके अलावा बात करें साइबर क्राइम की, साइबर क्राइम में 22% लगभग जो है कमी आई है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश अगर बात करें तो महिला अपराधों में जो अपराधी होते हैं उनको सजा दिलाने में नंबर एक बना हुआ है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो ये आंकड़े हैं पूरे देश के लिए कहीं ना कहीं नजीर है, पूरे देश के जो राज्य हैं उनके लिए नजीर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने जिस तरह से कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में अगर आप व्यापार करने जाते हैं तो व्यापार करने के लिए आपको गुंडा टैक्स देना होगा, लेकिन पिछले 5 सालों पर इस तरह के अपराधियों पर, इस तरह के जो मनमर लोगों पर जिस तरह से कार्रवाई हुई कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर देखा जा रहा है किस तरह से इन बाहरी इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है। कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा होता था जिससे बाहरी जो व्यापारी होते थे, बाहरी औद्योगिक घराने होते थे, वो उत्तर प्रदेश में आने से डरते थे, लेकिन पिछले 5 सालों में इस तरह के अपराधियों पर शिकंजा कसा गया, अपराधियों पर बुलडोजर जो उनकी संपत्तियों पर चलाए गए कहीं ना कहीं पूरे देश में नजीर बने हुए हैं। अभी हाल ही में देखा गया मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि अपराधी होंगे तो उनके घरों पर बुलडोजर चलेंगे। चाहे वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी बुलडोजर का जिक्र किया, चाहे आसाम के मुख्यमंत्री उन्होंने बुलडोजर का जिक्र किया। निश्चित तौर पर बुलडोजर एक प्रतीक है, क्योंकि अगर अपराधी अपराध करता है तो निश्चित तौर पर वो अपने बचाव के तरीके भी ढूंढता है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके हर तरीकों पर पानी फेर दिया। तमाम ऐसी तस्वीरें आई जब अपराधी अपराध करके फरार हो जाते हैं और वो पुलिस की पकड़ में नहीं आते, तो उसके बाद जब बुलडोजर पहुंचता है उनके दरवाजे पर तो खुद ब खुद पहुंचकर वो सरेंडर कर देते हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर जो काम किया गया उसका जिक्र जो बैठक होगी गृह मंत्रियों की उसमें जरूर जिक्र होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अपराधी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें अपराधियों का गढ़ बना हुआ था। आज की डेट में यह है कि अपराधी पनाह मांग रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करना क्या चाह रहे, जरूर सोचते होंगे, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना मुख्यमंत्री का कि अगर अपराधी है तो उस पर सख्त कार्रवाई हो, उसके बचाव में कोई भी अगर आता है चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, अधिकारी हो, सब पर कार्रवाई हो। निश्चित तौर पर अमूमन देखा जाता था कि बड़े अपराधियों के बचाव के लिए जो सफेद पोस्ट खादी वाले लोग होते थे वो आ जाते थे, लेकिन मुख्यमंत्री इतना सख्त निर्देश है कि किसी भी अपराधी के बचाव में कोई भी व्यक्ति जो है वो खड़ा होगा तो उस पर भी कार्रवाई होगा चाहे वो निर्दोष भले हो, क्योंकि अगर अपराधी के साथ आप खड़े तो आप भी अपराधी हैं। निश्चित तौर पर मुख्तार जैसे मुख्तार अंसारी से बड़े अपराधी जो हैं
आज सलाखों के पीछे है। एक समय था मुख्तार के आसपास भटकने की हिम्मत पुलिस में नहीं होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार का दृढ़ संकल्प था जो उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता से किया था कि अपराध मुक्त प्रदेश उनको मुहैया कराएंगे। निश्चित तौर पर आज की डेट में अगर बात करें तो उस ओर बढ़ रहा है। हालांकि छुटपुट घटनाएं तो हर जगह होती है, लेकिन छुटपुट घटनाओं के अलावा अगर बात करें तो बड़ी घटना उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हो रही, क्योंकि जिस तरह से एनसीआरबी का आंकड़ा आया उसमें देखा गया कि जो दंगे होते थे, दंगे उत्तर प्रदेश से गायब हो गए। आज जो छोटे छोटे राज्य हैं, झारखंड बिहार जैसे राज्यों में सैकड़ों दंगे हो रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई भी बड़ा दंगा नहीं हुआ। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं आज जब बैठक होगी, बैठक के दौरान जरूर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का जिक्र होगा। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है लोगों के लिए एक रोड मैप तैयार करेगी, किस तरह से कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना है, किस तरह से कानून व्यवस्था को जमीन पर उतारना। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लमसम 1:30 बजे के आसपास आज लखनऊ से रवाना होंगे, जिसके बाद वो फरीदाबाद पहुंचेंगे और 2 दिवसीय जो कार्यक्रम फरीदाबाद में है, हरियाणा में है, वह उसमें शिरकत करेंगे। जी ठीक है अश्विनी, आप लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, पीयूष भी जुड़ चुके हैं। पीयूष, आज बेहद अहम बैठक होने वाली है हरियाणा में, गृह मंत्रालय की ये पूरी बैठक रहने वाली है जहां तमाम राज्यों के गृह मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। क्या कुछ इस बैठक में खास रहने वाला है? तो पीयूष से जुड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए लगातार तमाम राज्यों के गृह मंत्री इसमें शामिल होंगे, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस पूरी बैठक में सम्मिलित होंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो तमाम राज्यों में लॉ एंड ऑर्डर क्या कुछ है, किस तरह के लॉ एंड ऑर्डर बनाए गए हैं, कानून व्यवस्था क्या है, क्या सुधार करने की जरूरत है, ये कहीं ना कहीं इसका जिक्र इस बैठक में होगा। अश्विनी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अश्विनी, इसके साथ ही साथ इस बैठक के बारे में भी समझना चाहेंगे, चूंकि इसकी खुद अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बातचीत हो सकती है तमाम राज्यों में, जिस तरह से तमाम नई नई जो तकनीकी अपनाई जा रही है और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए तमाम जो निर्देश दिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के राज्यों से सीखते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, जब भी बैठक होगी तमाम बिंदु होंगे उसको लेकर चर्चा होगा, चाहे वो एक जो अपराधी होते हैं उनके इधर से उधर ले जाने के लिए हो, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि एक राज्य में अपराधी पकड़े जाते हैं तो दूसरे राज्य में समर्पण के लिए उन तमाम कानूनी प्रक्रिया होती है जिसको सरल बनाने की कोशिश कहीं ना कहीं इस बैठक के माध्यम से होगी। साथ ही साथ जो तमाम चीजें अन्य हैं उनको लेकर चर्चा होगी कि किस तरह से एक छोटे राज्य में अपराध कम होता है, बड़े राज्य में अपराध ज्यादा होता है, तो आखिर ये क्या दिक्कतें आ रही हैं, इन चीजों को लेकर के चर्चा होगी। साथ ही साथ तमाम अन्य छोटे मोटे बिंदु जरूर होंगे, लेकिन उन चीजों पर चर्चा जब होगी तो सबको हर प्रदेश को समानता के साथ देखा जाएगा कि हर प्रदेश में जो अपराध है उसमें कमी आए, जिससे कहीं ना कहीं जो आंतरिक सुरक्षा है प्रदेश की वो भी संभली रहे। क्योंकि अभी हाल ही में देखा गया देश में तमाम जगहों से PFI के जो एजेंट्स थे पकड़े, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा देश के लिए। तो ऐसे में सभी गृह मंत्रालय जो मंत्री होंगे, जो जिनके हाथों में कानून व्यवस्था प्रदेश की होती है, उनसे चर्चा की जाएगी कि ऐसे छोटे छोटे संगठित जो अपराध हो रहे हैं या फिर जो अपराधी इस तरीके के हैं या फिर जो इस तरह के मूवमेंट चल रहे हैं उनको किस तरह से नस्तनाबूद किया जाए, इसको लेकर के चर्चा होगी। निश्चित तौर पर तमाम बिंदु होंगे, तमाम चीजें होंगे जिसको लेकर एक छत के नीचे सभी जो गृह मंत्री बैठेंगे, क्योंकि कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा हर राज्य के लिए होता है। अगर सरकारें बनती और बिगड़ती हैं तो कानून व्यवस्था उसमें प्रमुख होता है। अगर उत्तर प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार लौटी है तो कहीं ना कहीं उसमें कानून व्यवस्था का हाथ रहा, और इससे पहले अगर सरकारें गई हैं तो भी कानून व्यवस्था का उसमें बड़ा हाथ रहा, क्योंकि एक आम आदमी चाहता है कि वो सड़कों पर जब निकले तो सुरक्षित निकले, उसके जब सुरक्षित घर लौटे। निश्चित तौर पर ये अगर वातावरण उनको मिलता है, आम आदमी मिलता है, तो निश्चित तौर पर वो अपनी सरकार की सराहना करेंगे। उत्तर प्रदेश में जरूरत है कितनी मजबूती के साथ होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं बहुत जरूरी हो जाता है। अश्विनी आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, पीयूष भी जुड़ चुके हैं। पीयूष, इस बैठक को लेकर आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से ये पूरी बैठक होने वाली है, कितने सत्र चलेंगे और तमाम राज्यों के जब गृह मंत्री इसमें शामिल होंगे तो क्या कुछ तमाम चीजें निकल कर सामने आएंगी।
देखिए, अगर हम बात करें तो गृह मंत्रालय की ओर से ये बैठक बुलाई गई है और तमाम राज्यों के कुछ मुख्यमंत्री जिनके पास गृह विभाग है वो शामिल होंगे और इसके अलावा जो गृह मंत्री हैं वो शामिल होंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और सबसे बड़ी बात है कि किस तरीके से राज्यों के की जो सुरक्षा व्यवस्था होती है, राज्यों में जो समन्वय होता है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, बॉर्डर को लेकर, उसको लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जिन राज्यों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जिन राज्यों में क्राइम कंट्रोल हुआ है, एनसीआरबी के आंकड़े जब आए थे तो आपने देखा किस तरीके से उत्तर प्रदेश में महिला अपराधों की संख्या कम हुई और अन्य अपराधों की संख्या कम हुई थी। उसके बाद कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की बात करें या उत्तराखंड की बात करें तो दोनों ही मुख्यमंत्री, चाहे पुष्कर सिंह धामी की बात करें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, दोनों ही लोग आज सूरज कुंड पहुंचेंगे और वहां पे आज जो बैठक होगी उसमें सम्मिलित होंगे। इसके अलावा कल योग शिविर का भी आयोजन किया गया है जहां पे तमाम जो लोग वहां पे मौजूद होंगे, चाहे गृह मंत्रियों की बात करें या जिनके पास गृह विभाग का प्रभार है, वो जो मुख्यमंत्री वहां पे पहुंच रहे हैं वो लोग सभी लोग योग शिविर में सम्मिलित होंगे। शाम को ये कार्यक्रम है, करीब 3 बजे के बाद ये कार्यक्रम तय किया गया है, पूरी तरीके से इसका खाका तैयार किया गया है। और इसके साथ ही क्योंकि हम बात करें तो एक गृह मंत्री अमित शाह की एक रैली होने वाली है और इस रैली के बाद गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचेंगे और कल की बात करें तो कल सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली तौर से जुड़ेंगे और वहां पे मौजूद तमाम, चाहे गृह मंत्रियों की बात करें या मुख्यमंत्रियों की बात करें, सभी लोगों को संबोधित करेंगे। और किस तरीके से जिन राज्यों की खासतौर पर अगर हम बात करें सीमाएं दूसरे देशों से सटी हुई हैं उसको लेकर भी खासा चर्चा यहाँ पे किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तमाम राज्यों के डीजीपी और गृह सचिव भी यहाँ पे सम्मिलित होंगे और सुरक्षा से जुड़े हुए तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इस पूरे बैठक में चिंतन जो किया हुई है उसमें सम्मिलित होंगे और पूरी तरीके से रूपरेखा तैयार किया जाएगा कि किस तरीके से आने वाले 1 साल में व्यवस्था को दुरुस्त करना है, किस तरीके से पुलिस प्रशासन को ठीक करना है, किस तरीके से, अगर देखिए कि कई बार मामला निकलकर सामने आता है कि कई राज्यों में बॉर्डर की काफी समस्याएं हैं, सीमा क्षेत्र को लेकर काफी चर्चाएं होती हैं और इसी को लेकर कहीं ना कहीं एक समय में बैठक के रूप में कहीं ना कहीं इस बैठक को देखा जा रहा है। और अगर हम बात करें तो करीब 11 बजे के आसपास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लखनऊ से चलेंगे और सीधे वो हिंडन आएंगे और हिंडन से सूरजकुंड जाएंगे। इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात करें तो कल वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, उत्तराखंड सदन में रुके हुए हैं, थोड़ी देर का वक्त बचा है जब वो उत्तराखंड सदन से वो सीधे सूरजकुंड जाएंगे। इसके अलावा तमाम जो गृह मंत्री है राज्यों के वो वहां पे पहुंचेंगे, गृह मंत्री अमित शाह वहां पे पहुंचेंगे। पूरी तरीके से इस कार्यक्रम को रखा गया है, तैयारी भी पूरी कर ली गई है, पोस्टर बैनर भी वहां पे लगाए गए हैं और निश्चित तौर पे आमतौर पे जो बैठकें होती हैं वो चलती रहती है लेकिन कोरोना काल में ये बैठकें नहीं हो पाएगी, ऐसे में ये बैठक हो रही है जिसको लेकर कहीं ना कहीं पूरी तैयारी की गई है। बिल्कुल पीयूष, तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और थोड़ी ही देर बाद इस बैठक की शुरुआत होगी और गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और देखिए उनका संबोधन भी होगा। हर किसी की नज़र यही होगी कि आखिर गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ बोलते हैं। लगातार अश्विनी भी जुड़े हुए हैं। अश्विनी, आंतरिक सुरक्षा जितनी ज़रूरी है और बाहरी चीज़ों से भी उतनी सुरक्षा ज़रूरी होती है, कहीं ना कहीं देखिए जो अंदर की दिक्कतें हैं, अंदर की जो कानून व्यवस्था है उसको दुरुस्त रहना चाहिए, लेकिन सीमाओं का अगर मामला देखा जाए या फिर जिस तरह से आप पीएफआई का जिक्र कर रहे थे, तमाम आतंकियों की गिरफ्तारी भी हुई है, कहीं ना कहीं इन सारे मुद्दों को लेकर भी चर्चा हो सकती है किस तरह से और मजबूत ये पूरी व्यवस्था करनी है। बिल्कुल, कोई अपराधी होता है या फिर पीएफआई जैसे जब मूवमेंट चलते हैं तो ये कई राज्यों में चलते हैं एक साथ, तो ऐसे में अगर सभी राज्य समन्वय बैठा लेंगे तो निश्चित तौर पर इन पर कार्रवाई आसानी हो सकती है, क्योंकि जब जो डिटेल्स होती हैं एक राज्य दूसरे राज्य से शेयर करता है तो निश्चित तौर पर जो दूसरा राज्य होता है वो उतनी बेहतर ढंग से कार्रवाई कर सकता है। निश्चित पीएफआई के मामले में देखा गया कि जब केरला से लखनऊ या यूपी की बात करें या फिर बिहार की बात करें, हर जगह एक साथ कार्रवाई हुई, वहाँ की जो लोकल इंटेलिजेंस थी वो एक साथ एक्टिव की गई, उन्होंने जो डिटेल्स थी उनको उनका पहले ऑब्जर्वेशन किया गया, उसके बाद डिटेल्स को पूरा देखा गया, उसके बाद कार्रवाई। निश्चित तौर पर ये इस तरह के अपराधी जो होते हैं, इस तरह के जो संगठित मूवमेंट होते हैं, कहीं ना कहीं उनको खत्म करने के लिए एक तरीके से बैठक हो रही है। साथ ही साथ जो बॉर्डर इशूज होते हैं कहीं ना कहीं उनको खत्म किस तरीके से किया जाए, आपसी समन्वय बैठाला जाए जिससे आने वाले दिनों में दिक्कत ना हो। निश्चित तौर पर देखा था कि अपराधी जो होते हैं, इससे मान लीजिए उत्तर प्रदेश भाजपा की सरकार है तो यहाँ बड़े अपराधी जो
अपराध करके किसी अन्य राज्य में जहां अन्य सरकार है वहां पर पनाह मांग लेते हैं, तो निश्चित तौर पर वहां पर उन पर कार्रवाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जब ये बैठक होगी इसमें आपसी समन्वय बैठाया जाएगा तो उन अपराधियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो पाएगी। निश्चित तौर पर ये बैठक राष्ट्रीय सुरक्षा या कि यूं कहें आंतरिक सुरक्षा को लेकर के काफी महत्वपूर्ण बैठक है और इसमें इस बार जो कहीं ना कहीं यूपी का डंका बजने वाला है, क्योंकि यूपी ने जिस तरह से जो अपराध है उन पर काबू पाया है, जिस तरह के अपराधियों को सजा दिलाई है, कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए एक नजीर बनकर तैयार हुआ है और तमाम प्रदेश जो हैं वो उसी राह पर चल रहे हैं जिस राह पर उत्तर प्रदेश चलकर कानून व्यवस्था को बेहतर कर पाया। निश्चित तौर पर NCERB के जो आंकड़े हैं कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता के लिए सुखद हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश जनता चाहती थी कि उनको अपराधों से मुक्ति मिले, उनको अपराधियों से मुक्ति मिले, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक समय यह था कि जो किडनैपिंग थी, अपहरण एक आम बात हो गई थी। पूर्वांचल का जिला हो या फिर पश्चिम का जिला हो, हर जगह कहीं ना कहीं अपराधी इतने मनबढ़ हो चुके थे कि कहीं ना कहीं जो किडनैपिंग उनके लिए किडनैपिंग एक आसान तरीका पैसा कमाने का बन गया था। लेकिन आज की डेट में अगर बात करें, अपहरण हो भी रहे इक्का दुक्का, तो इतनी तेजी से कार्रवाई हो रही है कि जो अपराधी होते हैं वो तो या तो एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं या उनको सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश ने जिस तरीके से कानून व्यवस्था को संभाला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसकी तारीफ उत्तर प्रदेश जनता तो कर ही रही है। उसी का नतीजा, उसी का फल रहा कि दोबारा सत्ता में भारतीय जनता पार्टी वापस कर आ पाई है। लेकिन साथ ही साथ प्रदेश के राज्य भी उसकी सराहना कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उसी राह पर चल करके अपने प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर बनाना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल अश्विनी, और देखिए अश्विनी जिस तरह से NCERB की रिपोर्ट का आपने जिक्र किया, चाहे वो दंगों की बात हो या फिर महिला सुरक्षा की बात हो, तमाम जो रिपोर्ट्स आई है कहीं ना कहीं वो उत्तर प्रदेश की जो भूमिका है कानून व्यवस्था को लेकर वो दुरुस्त दिखाते हुए नजर आई है, और इसी को कहीं ना कहीं एक इस पूरी बैठक में जिक्र भी किया जाएगा। अश्विनी इसके साथ ही साथ देखिए उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर हर क्षेत्र की बात की जाए, हर राज्य की बात की जाए, लगातार जिक्र किया जाता है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था किस तरह से दुरुस्त हो रही है, माफियाओं पर या अपराधों पर किस तरह से शिकंजा कसा जा रहा है, और यह सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी इसका डंका बज रहा है। बुलडोजर का आपने जिक्र किया, बुलडोजर का जिक्र देखिए देश और विदेश दोनों जगह हो रहा है। कहीं ना कहीं अब कई उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही और राज्य भी कहीं ना कहीं ये कार्रवाई करने का उदाहरण ले सकते हैं। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में अगर क्षेत्रवार देखें तो अपराध करने का तरीका अलग अलग है। अगर हम जाएं बुंदेलखंड में तो वहाँ पर अभी भी जो है तमाम अलग तरह का अपराध हो रहा है, पूर्वांचल में अलग तरह का, पश्चिम में अलग तरीके से अपराध कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इन चीज़ों को समन्वय बैठाया गया बाकायदा, इसके लिए बाकायदा मुख्यमंत्री ने इसकी मॉनिटरिंग की, बाकायदा रोड मैप तैयार किया गया, उसके बाद कार्रवाई का दौर शुरू हुआ। चाहे वो शराब माफिया हो, चाहे ड्रग माफिया हो या अन्य तरह के अपराधी हों, सभी को एक नज़र से देखा गया। मुख्यमंत्री ने सभी को सख्त हिदायत दी सब पर एक तरफा कार्रवाई की जाए। देखने को अभी हाल ही में देखा गया कि जो शराब माफिया थे वो हावी हो रहे थे उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि जिले के जो SSP हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो इन अपराधियों पर कार्रवाई करें, और अगर कार्रवाई नहीं कर पा रहे तो उन पर भी कार्रवाई होगी। निश्चित तौर पर साथ ही साथ सबसे बेहतर बात है कि मुख्यमंत्री ने जो पुलिसकर्मी है, पुलिस अधिकारी है, उनकी खुली छूट दी है, क्योंकि अक्सर देखा जाता था कि पिछली सरकारें थी पुलिस के पास इतना पावर नहीं दिया गया था कभी कि वो सीधे तौर पर किसी बड़े अपराधी पर कार्रवाई कर सके। निश्चित तौर पर इस सरकार में देखा गया, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे कोई भी हो, नाम हो, सीधे तौर पर चाहे वो जिले का SP होता, इसके इतना पावर दिया रखा गया है कि वो सीधे खुले तौर पर सीधे कार्रवाई कर रहा है। निश्चित तौर पर जब पुलिसकर्मी हैं उनको ताकत दी जा रही है तो वो बेहतर परफॉर्मेंस भी कर पा रहे हैं। निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर के मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा सजग रहते हैं, उनका सबसे ज्यादा बड़ा एजेंडा कानून व्यवस्था ही प्रदेश की है, क्योंकि उनको पता है जब प्रदेश की कानून व्यवस्था होगी तो तमाम रास्ते खुल जाएंगे, चाहे वो व्यापार का रास्ता हो, चाहे यहाँ इन्वेस्ट करने का रास्ता हो, क्योंकि किसी प्रदेश के लिए अगर वहाँ का कानून व्यवस्था बेहतर नहीं है तो वहाँ के बाहर इन्वेस्टर्स नहीं आते हैं। पिछले कई सालों में देखा गया कि बाहर के इन्वेस्टर्स आते थे, उनका कहना होता था कि अगर उत्तर प्रदेश में हम व्यापार करने जाएंगे तो वहां पर पहले हमको हफ्ता देना पड़ेगा, या फिर इन शब्दों ऐसे समझें कि उनको एक मुआवजे के तौर पर व्यापारियों को जो गुंडे होते हैं गुंडा टैक्स देना पड़ता था। लेकिन आज के समय में सरकार खुद व्यापारियों को बुला रही है, औद्योगिक घरानों को बुला रही, उनको
जमीन मुहैया करा रही है, उनको आश्वासन दे रही है कि कानून व्यवस्था से कोई खिलवाड़ नहीं, उत्तर प्रदेश में कोई भी गुंडा कोई भी अपराधी आपके पास वसूली के लिए नहीं पहुंच सकता। निश्चित तौर पर यह एक सरकार का भरोसा दिलाना किसी व्यापारी को बहुत बड़ी बात होती है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में देखा गया पिछले 5 सालों में बड़ा इन्वेस्ट हुआ, निश्चित तौर पर इसमें कानून व्यवस्था का बहुत बड़ा रोल रहा है। आने वाले दिनों में भी उत्तर प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर काम कर रही है, उसका एक तरफा कार्यक्रम है कि अगर कानून व्यवस्था बेहतर नहीं होगी किसी प्रदेश की तो किसी भी प्रदेश में जनता ना खुश रह पाएगी, ना सरकार चैन से रह पाएगी और ना ही जो बाहरी लोग आते वो रह पाएंगे। निश्चित तौर पर इसको लेकर के देखा जाता कि महीने में कम से कम 2 बार मुख्यमंत्री जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरूर करते हैं, जिसमें तमाम प्रदेश के जो आलाधिकारी होते हैं उन वो जुड़े होते हैं और साफ तौर पर उनको निर्देश होता है कि जो जमीन पर उतर के काम करिए, हवा हवाई काम करने की जरूरत नहीं है, जमीन पर उतरिए काम करिए और उसका उसका जो रिस्पॉन्स है वो दिखाइए कि आखिर रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है। अभी हाल ही में देखा गया कि तमाम जगह दंगों की स्थिति बनी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था का असर था कि दंगाई घरों से निकले तो, लेकिन उनको याद आया कि 2019 में जब दंगे की स्थिति बनी थी उसके बाद क्या कार्रवाइयां हुई थी, किस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो है उनके पोस्टर्स चस्पा किए थे, उन पर कहीं ना कहीं तमाम धाराओं में जो मुकदमेदर्शी किए गए थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब दंगा करने से पहले दंगाइयों को सोचना पड़ता कि उत्तर प्रदेश में अगर दंगा करेंगे तो बुलडोजर भी तैयार है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, उत्तर प्रदेश ने कानून व्यवस्था को लेकर के एक रोड मैप तैयार कर दिया है जो तमाम प्रदेशों के लिए कहीं ना कहीं आज सीखने को मिल रहा है, उससे कुछ ना कुछ और आने वाले दिनों में और बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार काम भी कर रही है। जी बिल्कुल अश्विनी, इसके साथ ही साथ देखिए जब कार्यक्रम की आज शुरुआत होने वाली है क्या कुछ पूरा खाका रहेगा, क्योंकि 2 दिन का ये दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का माना जा रहा है, 2 दिन पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, क्या सत्र बनाए गए हैं, किस तरह का खाका तैयार किया गया, और ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे इस बैठक में। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत तमाम जो प्रदेश है जो गृह विभाग संभालने के पास है वो लोग वहाँ मौजूद रहेंगे। निश्चित तौर पर आज बैठक होगी, इसके बाद कल फिर बैठक होगी जिसमें जो प्रधानमंत्री लगभग 10:30 के आसपास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब प्रधानमंत्री हों, चाहे देश के गृह मंत्री हों, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, हर कोई चाहता है कि वहाँ उनके देश की उनके प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर रहे, जो मूवमेंट चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर वो खत्म हो जाए, जिससे कहीं ना कहीं अमन चैन जो प्रदेश का देश का वो बना रहे। जी ठीक है अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों को देने के लिए। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।